खबर यूपी के रायबरेली से महाराजगंज क्षेत्र की है, जहां मंगलवार को ब्लॉक क्षेत्र के टू गांव से कांवड़ियों का एक जत्था बोल बम के जयघोष के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। लगभग 32 श्रद्धालु, जिसमें 8 महिलाएं भी शामिल हैं, पैदल और निजी साधन से भगवान शिव का जयघोष करते हुए यात्रा पर निकले। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह भी दिखाई दिया। आपको बता दें कि सावन का महीना आते ही भक्तों पर भगवान शिव की भक्ति का खुमार चारों तरफ छा जाता है। स्थानीय शिवालयों में भक्तों द्वारा जलाभिषेक तो किया ही जा रहा है, साथ ही सुदूर के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में श्रद्धालु जलाभिषेक करने जा रहे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। टूक गांव के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अभय सिंह के नेतृत्व में विभिन्न गांवों के 32 कांवरियों का जत्था बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। बाबा धाम में जलाभिषेक करने के बाद उनकी वापसी होगी। यात्रा से पूर्व महाराजगंज के सुप्रसिद्ध दानेश्वर मंदिर धाम में भगवान भोलेनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। इस मौके पर अभय सिंह, चंद्रभान, पिंटू सिंह, तेजभान सिंह, शीश बहादुर सिंह, पुनवासी सुधीन राम, लखन निर्मल, बीडीसी सुनीता देवी, श्रीनाथ, फूलचंद यादव, बब्बू सिंह, राम सजीवन, सविता राम कुमार, सविता पूर्व प्रधान, पुट्टू शिवदेन, राम किशोर, सचिन पाठक आदि बाबा धाम के लिए रवाना हुए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।